आज जिला कलेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्य पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के ही किसी वाजिद नाम के व्यक्ति के द्वारा गोहलपुर पानी टंकी के पास बनी एक दुकान जिसे एक दिव्यांग के द्वारा संचालित किया जाता है, जिस पर नगर निगम के अधिकारियों से साठगांठ करते हुए उसे हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जबकि उस दुकान से किसी भी प्रकार का यातायात अवरुद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी क्षेत्र के उक्त व्यक्ति के द्वारा लगातार दिव्यांग सहित उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। चलो आज दिव्यांग संघर्ष समिति के तत्वावधान पर एक दिव्यांग को कुछ असामाजिक तत्व परेशान कर रहे हैं। तो चाय नाश्ते की दुकान पूरा परिवार दिव्यांग है, अपना जीवन यापन गुजर बसर कर रहे हैं। तो नगर निगम के कुछ अधिकारियों की साठगांठ से मोहम्मद बाजिद करके एक व्यक्ति है, वो एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ कहलाता है अपने आप को। तो आज दिव्यांगों को उनकी दुकान छीनना चाह रहा है और लगातार उनको धमकियां दे रहा है कि दुकान खाली कर दिए, जबकि वो दुकान शासकीय स्तर पर है, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न कहीं नहीं होती है। उसके बाद भी उस पर दबाव डालकर उस दिव्यांगजनों के परिवार को बेघर किया जाता है। तो आज दिव्यांग संघर्ष समिति ने सभी लोग मिलकर आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है जल्द से जल्द इन अपराधियों पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा सभी दिव्यांग मध्य प्रदेश का समूचा दिव्यांग इकट्ठा होकर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ नारेबाजी करके उनका विरोध करेगी।